स्टार्ट। ओके रोल कर सर, माय सर डॉक्टर देव। ओके एंड दिस वन कंटेंट इंट्रोडक्शन रोल कर सर, टाइप ऑफ रोल कर सर, वर्किंग मैकेनिज्म, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सो टीम अबाउट रोल कर सर। देखिए हमारी स्लाइड में हम लोग इसका परिचय जानेंगे, रोल कर सर क्या है जानेंगे, और रोल कर सर कितने टाइप के होते हैं यह जानेंगे, और कैसे काम करता है, और इसके लाभ हानि, ये लाभ है और ये इसकी हानि को हम लोग जानेंगे। सेकंड स्लाइड दिस वन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन साइज इंडक्शन फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स शो अस ए ग्रेट पोटेंशियल। इंट्रोडक्शन में लिया है कि साइज को कम करना, उसके साइज को रिड्यूस करके कोई भी पार्टिकल का और मोर प्रोडक्ट के लिए, तो फोर्स इन्वॉल्व आर अट्रिशन, कंप्रेशन, इंपैक्ट एंड द वेरियस इक्विपमेंट यूज फॉर साइज रिडक्शन आंसर हेमर मिल इंपैक्ट ग्राइंडर कर्सर। ठीक है, तो कहना क्या है, अट्रिशन फोर्स अप्लाई होती है, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होती है, इंपैक्ट अप्लाई होती है, और इक्विपमेंट डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे हैमर भी यूज करते हैं इसके लिए साइज रिडक्शन के लिए पार्टिकल, और इंपैक्टर यूज करते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं, और कर्सर यूज करते हैं। तो हम लोगों का रोल कर्सर आज का टॉपिक है, तो ये हमारा साइज रिडक्शन के लिए उपयोग में होती है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन। देन डिफिनेशन, परिभाषाएं क्या है आपको जानेंगे, और कर्सर की ये मशीन डिजाइन टू यूज लार्ज इनटू स्मॉलर ग्रेवर और पॉकेट। कर्सर उसको कहते हैं, वह मशीन है जो बड़ा साइज को छोटे साइज में, छोटे मतलब पत्थरों में या फिर ग्रेवर में या रॉक डस्ट में परिवर्तित कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्सर। डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर आप देखो, कर्सर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे क्या है जॉ कर्सर, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जॉ कर्सर पढ़ा, फिर उसके बाद में क्या है कंपाउंड कर्सर एंड रोल कर्सर। टुडे आवर टॉपिक इज रोल कर्सर। नेक्स्ट इज देयर रोल कर्सर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है रोल कर्सर, ये हमारा रोल कर्सर का फोटो है, ये डायग्राम। रोल कर्सर आर यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग एडिशनल रिडक्शन इन द साइज ऑफ स्टोन आफ्टर द आउटपुट ऑफ ए क्वेरी हैज बीन सब्जेक्टेड टू वन और मोर स्टेज ऑफ पीरियड क्रशिंग। रोल कर्सर क्या है, रोल के द्वारा में ठीक है साइज को रिडक्ट कर देते हैं, छोटा छोटे करने लगते हैं स्टोन का, ठीक है, और ये वन और मोर स्टेज ऑफ पीरियड क्रशिंग है। ठीक है, रोल कर्सर हैव ए क्रिटिकल मैक्सिमम रिडक्शन रेशियो ऑफ 4:1, 4 रहेगा तो बन नहीं करेगा। हमारे रोल कर्सर के भी कुछ कुछ प्रकार होते हैं,
क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्या है, सिंगल गोल कर्सर, सिंगल गोल कर्सर, ओनली एक ही गोल है। आप इसमें हम लोग कोई लागू या फिर मटेरियल को या रॉक्स को डालते हैं यहां से, मतलब ये आ जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल गोल कर्सर। दिस वन डबल गोल कर्सर, दिस वन आ डबल गोल कर्सर। ये देखो दो गोल पे इसके बीच में ये आ गई है, बड़े मटेरियल को सपाट करने के टूट के आ जाती है, मारकुंडा यानी साइड में लेट करता है। ये हमारा डबल गोल कर्सर है। एंड स्मूथ गोल कर्सर, की स्मूथ गोल कर्सर मतलब स्मूथ है। यहां देखो कांटा वाली है, यहां देखो हमारे स्मूथ मतलब प्लेन। तो दिस वन इज अ स्मूथ गोल कर्सर, यू प्रैक्टिकल पुट एंड गॉट देयर प्रोडक्ट। एंड दिस वन टूथेड गोल कर्सर, ये टूथेड गोल कर्सर कांटा कांटा का रहेगा और हमारा टूट के हमारा बुलेट को दे रहा है। इस टाइप से हमारा चार प्रकार होता है मोटा मोटी, सिंगल रोल कर सर, डबल रोल कर सर, स्मूथ रोल कर सर और उठे रोल कर सर। इस टाइप से कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार, ठीक है। और भी होते होते हैं बाकी हमारे स्टेटस, ठीक है। रोल कर सर, अब हम लोग देखेंगे कि रोल कर सर कैसे काम करती है। हियर डिस्कस, ओके, वर्किंग मैकेनिज्म। हियर वॉल प्रेशर, हाई प्रेशर ग्राइंडिंग वॉल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल ग्राइंडिंग रोड्स टर्निंग टुगेदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद हीट बीइंग डायरेक्टेड थ्रू द मूविंग केप बिटवीन देम व्हाट रोल इट प्ले एंड द अदर मूवेबल यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेशर एज द वॉल मूव्स थ्रू द गैप द हाइड्रोलिक फोर्स बिहाइंड द मूवेबल रोड एक्ट टू क्रॉस द पार्टिकल्स as they are poured together into a curved particle bed. Okay, they are, and each roll is equipped with all motor. Means, here are motor hai, iske alag motor. One single roll cursor can process up to 2000 turn per hour or more being fed to it, operating with high pressure, normally measured in a product that contains a significant amount of ultrafine grain particle less than 1 mm, which provide a favorable outside distribution of ball bearing feed. तो देखो ये जो रोल प्रेशर कैसे काम करता है, यहाँ बताया गया है कि हम लोगों का ये जो कर्सर रूलर है या अपने मोटर से जुड़ा रहता है, ये दोनों घूमेंगे पूरी डायरेक्शन में और ये ऊपर से आएगा और ये क्रशिंग होके हाइड्रोलिक फ्लूइड के छोटे में हो जाएगा। ये हमारा मैकेनिज्म है रोल कर्सर। द नेक्स्ट, अब हमारा क्या लाभ है क्या हानि है, व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज इज हियर रोल कर्सर। एडवांटेज, द रोल कर्सर हैज ए सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत सामान्य स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, हल्का वजनी अवेलेबल होता है, चलता है, लो कॉस्ट होता है, कम खर्चा लगती है, इजी मेंटेनेंस, आसानी से उसको चलाया जा सकता है। कि दे है देखिंग के वेरी फाइन प्रोडक्ट साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे प्रोड्यूस वेरी लिटिल डस्ट। और इसका क्या है कि बहुत फाइन प्रोडक्ट भी कवर कर देता है और बहुत कम डस्ट के पैदा करती है। कोल इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट यूजर ऑफ रोल कर्सर। देखो कोल को रोल कर्सर का सबसे ज्यादा वो काम का है कोयला के लिए, बड़ा बड़ा कोयला रहता है उसको उस साइड में करने के लिए हम लोग रोल कर्सर का उपयोग करते हैं। देखो सिक्के की जहां जो ऊपर जो बिल्डिंग है उसी ढंग से रोल कर्सर की भी कुछ एडवांटेज भी है, ठीक है। तो क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ द रोल कर्सर इज लो प्रोसेसिंग कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ा कम होती है और हाई वेयर ग्रेडिंग भी वेलोरेबल हार्ड है, जल्दी टूटने की संभावनाएं रहती है, ग्रेडिंग टीथ का हाई एनर्जी कंज्यूमर और इसमें ज्यादा एनर्जी की उपयोगिता, ज्यादा एनर्जी होता है यानी कि वाट में ज्यादा बिजली थोड़ा ज्यादा लगेगा। ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं और कुछ इसके एडवांटेज हैं, किसके रोलर रोल कर सकते। द नेक्स्ट इज